विमानों को 3 दिन में 19 धमकियां मिलने के बाद उड्डयन मंत्रालय ने सख्ती बरती है और मामले से निपटने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उड्डयन मंत्री के साथ ही जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बम से उड़ाने की धमकियों की गंभीरता को देखते हुए ऐसे मामलों की जाँच के लिए उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया गया। ऐसे मामलों में अभी तक मुंबई पुलिस ने 3 केस दर्ज किए हैं, साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक बार बयान जारी कर एयरलाइनों को मिली बम धमकियों की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारतीय हवाई जहाजों को हाल ही में दी गई बम धमकियों की कड़ी निंदा करता हूं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाए जाएं। हम उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यात्री सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकी पर सरकार गंभीर है और इससे निपटने के लिए कल हुई अहम बैठक में कई बड़े सुझाव भी रखे गए। गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय मिलकर फर्जी कॉल करने वालों से निपटने के लिए नए नियम बनाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस से इनपुट भी मांगे हैं। फर्जी कॉल करने वालों को नो फ्लाई यात्रियों की सूची में डाला जाएगा। मीटिंग में एयरलाइंस ने फर्जी कॉल करने वालों को 5 साल के लिए बैन करने का सुझाव भी दिया है। सुझाव दिया गया कि फर्जी कॉल करने वालों की लिस्ट सभी एयरपोर्ट पर लगाई जाए। इसके साथ ही फर्जी कॉल की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से कराने का सुझाव दिया गया है।